Friends, today we will be going to see a very important topic, which is known as violence at work. So why this topic is important? Because when you work in a company, when you prepare the HSE plan and the risk assessment, all these factors you have to include. So in this topic we'll be seeing what all are the causes for the violence and what all are the preventive measures. So it will be very important topic. So let us get into this. So first we will start with define violence. We will first go with the definition. Violence kya? So any incident, violence is any incident in which a person is abused, threatened or assaulted in work. अगर एक आदमी कोई काम करता है, जिस जगह पे काम करता है वहां पे उसे अब्यूज किया जाता है, फिजिकली मेंटली उसे अब्यूज किया जाता है, उसे थ्रेटन किया जाता है, उसको उसके काम करने में किसी भी तरीके से रुकावट फिजिकली मेंटली अगर दूसरा कोई बंदा या कोई ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट करता है तो उसे हम लोग वायलेंस कहते हैं. सो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर द वायलेंस. तो वायलेंस इज एनी इंसिडेंट इन विच ए पर्सन इज अब्यूज्ड. Abuse means गाली देना भी आप बोल सकते हो उसे. सो abused, threatened और assaulted means किसी भी तरीके का physical attack उसके ऊपर हुआ होता है. Threatened और assaulted in circumstances relating to the work, उसके work related किसी भी condition में अगर ऐसा कुछ incident हो जाता है जिसमें उस person को गाली दिया जाता है, threatened किया जाता है और उसे physically उसे मारा भी या पीटा जाता है तो उसे हम लोग violence कहते हैं. We seeing what are the common causes of violence. We will be seeing what all are the common reasons or the causes for the violence in a workplace. So the first one is cash. So dosto cash handling means अगर बंदा जिस साइट पे काम कर रहा है, इफ ही इज कैरिंग सम काइंड ऑफ कैश और सम मनी विथ हिम, देन देयर आर चांसेस ऑफ रॉबरी. सो कैश हैंडलिंग, इफ ही इज हैंडलिंग, इफ ही इज सेविंग सम सॉर्ट ऑफ कैश, देन देयर आर पॉसिबली द चांसेस ऑफ वायलेंस टू हैपन. सेकंड विल बी लॉन वर्किंग. सो वॉट इज लॉन वर्किंग. लॉन वर्किंग मीन्स अगर बंदा अकेले कहीं पे काम करता है, एक जगह पे अगर अकेले में काम करता है तो वायलेंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है. अगर बंदा कोई एक मेन अथॉरिटी रहता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रैफिक पुलिस या मेन सिक्योरिटी का कोई बंदा है, कोई कंपनी के यार्ड में या स्टोर में कोई मेन सिक्योरिटी है, कोई पुलिस वाला ऐसा रहता है, तो वहां पे भी वायलेंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि रॉबरी या फिर दूसरे कुछ भी पर्सनल इश्यूज ऐसे भी हो सकते, तो वहां पे भी चांसेस वायलेंस के ज्यादा रहते हैं. पीपल इन यूनिफॉर्म. पीपल इन यूनिफॉर्म मीन्स जैसे मैं पहले भी चुका, जैसे कि लोग अगर कोई पुलिस वाला या कोई मेन आदमी जो रहता है यूनिफॉर्म में ड्यूटी में काम करता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते, तो उस कारण भी वायलेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ये जनरली रिलेटेड टू कंपनी नहीं है, ये जनरल सिनेरियो को जो होता है वो निबोश पूछता है कि जनरल सिनेरियो में, एक जनरल सिनेरियो में जहाँ पे भी वर्क प्लेस में या जहाँ पे भी लोग काम करते हैं, क्या क्या रीजंस है, तो आपको उस हिसाब से सोच के यू हैव टू आंसर. सो पीपल इन यूनिफॉर्म विल बी देयर, देन वी हैव स्ट्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस. व्हाई? बिकॉज इफ पीपल आर इन स्ट्रेस ऑब्वियसली दे वॉन्ट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड दे विल गेट इन्वॉल्व इन टू violence. So that is also very important factor, stress. People under drinks में अगर किसी ने alcohol लिया हुआ है या caffeine ऐसे कुछ भी drinks लिया होता है, तो भी they will be very aggressive, बहुत aggressive होते हैं वो लोग, तो वहां पे भी उनके mind में violence आने का chances बहुत ज्यादा रहता है, तो violence आने का chances ज्यादा रहता है ऐसे केस में. Then we have strict mentality. What is strict mentality? Strict mentality means दोस्तों कुछ लोग होते हैं जैसे कि उन लोगों का जॉब रोल ऐसा था, जैसे कि अगर आप मान लो कि जैसे मैंने पहले ट्रैफिक पुलिस के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से बार स्टाफ,
फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल मैं एग्जाम्पल बताऊंगा जो बार स्टाफ के बारे में, जैसे कि अगर बार में क्या होता है दोस्तों, जब कोई बंदा जाता है ड्रिंक्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसके पास में अगर मान लो पैसा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करता है, और जब काउंटर वाले का बार के काउंटर वाले नोट करते हैं कि उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो उसको ड्रिंक्स नहीं देते, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो बंदा होता है वो वायलेंट होना शुरू हो जाता है। वो वायलेंट किसके अगेंस्ट होता है, वो वायलेंट शुरू हो जाता है जो लोग काउंटर में, तो बार के जो स्टाफ होते हैं उसके अगेंस्ट में वायलेंस करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट मेंटालिटी बार वालों ने दिखाया, तो क्या होता है वायलेंस, वायलेंस की शुरुआत हो गई। अनदर एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो एक विजिटिंग टाइम रहता है, अक्सर मैंने देखा हुआ हॉस्पिटल्स में क्या होता है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो विजिटिंग टाइम रहता है, और उस विजिटिंग टाइम के अंदर, वो विजिटिंग टाइम होने खत्म होने के बाद में वो लोगों को अंदर घुसने नहीं देते, लेकिन तो भी लोग ग्रुप में आके ऐसे घुसने की कोशिश करते, तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता है, जो सिक्योरिटी जो भी बंदा रहता है वो नो कहता है, बट पीपल स्टिल ट्राई टू आर्ग्यू विद देम, सो दिस इज व्हाट स्ट्रिक्ट मेंटेलिटी, सो दिस आर द मेन कॉसेस ऑफ वायलेंस, सो वी विल सी अगेन, दिस इज कैश हैंडलिंग, लॉन वर्किंग, लॉन वर्किंग मीन्स अकेले काम करना, मेन अथॉरिटी अगर आप बॉस हो या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करते हो, एंड इफ दे आर नॉट एग्रींग विथ यू ऑन सम इश्यूज, देन देर आर चांसेस ऑफ वायलेंस, पीपल इन यूनिफॉर्म इज फॉर लाइक द सिक्योरिटी, ट्रैफिक पीपल, स्ट्रेस, then people under drinks in alcohol etc, strict mentality like especially in bar and hospitals you can see. What all are the main areas where you can, or what all are the professions where you can expect the violence? I said hospital. Because in hospital and all, in hospital or in emergency, hospital always emergency staff and other people, they will be always like there are chances of violence happening with them. Second, you can maybe in police, violence can happen against the police, then the social workers, it can happen against the social workers, then we have the violence you can see against bus and taxi drivers, if you are running driving a bus or the taxi, there are chances of violence happening. Then we have the firefighters, firefighter teams, they can face the violence in areas where incidents happen. The traffic police, these are the main professions or the jobs. Profession means job, you can say job also. So these are the main professions and jobs where violence can happen. So if the Nipush asks you some question like related to violence, to highlight or to point out the professions, then you have to say the first, the hospital or emergency staff, the police, the social workers, you can say the bus and taxi drivers, the firefighters and traffic police. Traffic police, this is like the common police, and here this is a specialized traffic police, or you can say the wardens. See what are the important questions which you can expect from this topic. So you can expect questions like, you can express the question, define violence and common causes. This is the question which you can expect, define violence and the common causes of violence at workplace. Very important question. And second, you can expect this, these two important questions. First is the define the violence and common causes of violence at workplace, which we have discussed. And you can expect another question from this segment, what are the occupations which are at the risk of violence, which also we have discussed in the video.